अब हम लोग बैठ के करने वाले तीसरे अभ्यास का आनंद लेंगे। हमने करवाया चक्की आसन, उसके बाद करवाया स्थित कोण आसन, अब हम लोग करेंगे पश्चिमोत्तान आसन। कौन सा अभ्यास? हाँ, इसमें दंडासन में बैठते हैं और दोनों हथेली को घुटने के ऊपर रख लेते हैं, जांघ के ऊपर। अब पार्श्व भाग से दोनों हाथों को ऊपर उठाते हैं, ऐसे धीरे धीरे उठाइए। बहुत अच्छा। अब सांसों को बढ़ते हुए पीछे की तरफ थोड़ा हल्का झुकेंगे और सांसों को छोड़ते हुए दोनों हाथों को आगे की तरफ ले गया ऐसे, और गर्दन को घुटने की तरफ देखने का प्रयास करते हैं, झुका लेते हैं थोड़ा घुटना की तरफ। देखो घुटना टाइट देखना है, केवल हल्का पैर पकड़ो इसको। फिर सांसों को भरते हुए हाथ को पीछे ले गया, और फिर सांसों को छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ को आगे ले गया। अब इसी अभ्यास को तेजी से करेंगे 8-10 बार। तो आइए, पीछे गया और केहुनी को जमीन की तरफ ले जाने का प्रयास करेंगे, ये वाला मोड़ करके, और ललाट को घुटना में सटाने का प्रयास करेंगे। तो आइए, एक जगह से ले लो, पुनः पड़े से भी लोगों सभी लोगों ने लगाई गई। लंबा लंबा सांस भरते हुए पीछे जाना है और छोड़ते हुए आगे। अब इसी को पकड़ लीजिए अगले अभ्यास में, ये दोनों हथेलियों से हम अंगूठे को पकड़ लेते हैं, या तर्जनी को अंदर घुसा करके अंगूठा पर अंगूठा रख के पकड़ लिया। अब सांस भरते हुए गर्दन उठाएंगे, सांसों को छोड़ते हुए गर्दन को घुटना में सटाने का प्रयास करेंगे। जबरदस्ती नहीं करना है, जितना आपसे हो सके उतना ही करेंगे। करिए, बच्चों के लंबाई के लिए बहुत जबरदस्त अभ्यास, और कमर साइटिका के लिए बहुत जबरदस्त अभ्यास। जिनको तेज कमर दर्द होगा ना, वो अभ्यास नहीं करेंगे झुकने वाला, लेकिन जिनको दर्द नहीं है वो करेंगे तो जीवन में कभी कमर दर्द नहीं हो, साइटिका गठिया कभी नहीं हो। और बच्चों के लंबाई के लिए तो एकदम रामबाण ये तरीका है। अब दूसरा अभ्यास क्या करेंगे कि दोनों हथेली को एड़ी को ऐसे पकड़ लेते हैं, ले जा करके एड़ी को पकड़ा नीचे से या बीच में, घुटना नीचे रखो बेटा। आप पहले सांस को छोड़ते हुए केहुनी को जमीन पर रख लेंगे, ऐसे ऐसे रख लिया, और तब जाके घुटना को सताएंगे। कोशिश करो नीचे सताने के लिए, आस्ते आस्ते हल्का हल्का। ये अभ्यास हुआ पश्चिमोत्तान आसन का।